नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान पुत्र कैलाश चौधरी की। कैलाश चौधरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। उनका जन्म 20 सितंबर 1973 को राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके जीवन का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से राजनीति में एक मुकाम हासिल किया है। कैलाश चौधरी का बचपन गांव में बीता। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्हें कुछ समय तक बस कंडक्टर की नौकरी भी करनी पड़ी। राजनीति में कैलाश चौधरी का सफर 1999 में पार्षद के चुनाव से शुरू हुआ। हालांकि वह पहली बार हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार से हार न मानते हुए लगातार मेहनत की। 2004 में वे जिला परिषद सदस्य बने और फिर 2013 में विधायक चुने गए। 2018 में वे विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और केंद्र सरकार में मंत्री बने। कैलाश चौधरी कृषि और किसानों के मुद्दों पर काफी मुखर हैं। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। वे जल संरक्षण, उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास पर भी जोर देते हैं। कैलाश चौधरी अपने सादगी और जनता के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वह आज भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं और किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। उनकी यही सादगी और जनता से जुड़ाव उन्हें काफी लोकप्रिय बनाती है। कैलाश चौधरी का जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से राजनीति में एक ऊंचा स्थान हासिल किया है। वह आज किसानों की आवाज बनकर काम कर रहे हैं और उनके उत्थान के लिए प्रयासरत हैं।